नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करती हूँ आज का इम्पोर्टेंट जॉब रिक्रूटमेंट, न्यू जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में इन डिटेल्स, वो भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्ट हैं तो टीचर के लाइन पे, तो आप लोगों के लिए TGT PGT जॉब इन तेलंगाना से ये रिक्रूटमेंट आया है। बहुत सारे कैंडिडेट लिए जा रहे हैं और ये स्टार्ट होगा 9/7/2018 से। सो गाइस, बहुत ही कम समय में आपको अप्लाई करना होगा और इनका लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट जो है 8/8/2018 के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक बात कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। उसके साथ साथ चाहे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में इन डिटेल्स देख लीजिए। पीजी एंड टीजी के अलग अलग, दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया मांग रहे हैं, जो कि क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एज लिमिटेशन और यहाँ पर आपको कितना मिलने वाले हैं वो भी। तो चलिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लोगों के लिए, सो गाइस यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1972, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन जो होना है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सब्जेक्ट के ऊपर मीन्स कोई भी चलेगा, मिनिमम 55 मार्क्स होना चाहिए। अदरवाइज आप स्पेशल कैटेगरी जो कि SC ST PWD BC इनमें से है, तो आपका मार्क्स टोटल चाहिए यहाँ पर 45%, ठीक है। और इनके साथ साथ एज लिमिटेशन जो है वहाँ पर आपको 18 प्लस से लेकर टोटल 44 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एज जो है 44 वो है 1/7/2018 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आप आर्म कर सकते हैं, मीन्स इस डिपार्टमेंट के लिए इनका जो तेलंगाना का गवर्नमेंट है ये आपको पे करेगा हर महीने 31,460 से लेकर अप टू 84,970, ओके। तो चलिए दूसरा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा कम है उनसे पहले जो पीजीटी के लिए तरफ से। और यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल है 960 एंड यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो तब भी आप आके अप्लाई कर सकते हैं। और आपका मिनिमम यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी पे हैं तो यहाँ पर भी आपका मार्क्स 50% होना ज़रूरी है। और इनके साथ साथ आपका कोई बीएड का ट्रेनिंग हो तो बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पर अगर स्पेशल कैटेगरी पे कैंडिडेट जो लोग हैं उन लोगों के लिए 45% मार्क्स चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर भी एज लिमिटेशन जो है मिनिमम 18 से लेके 44 एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर पे मीन्स आपको पर महीना आर्म होगा यहाँ से 28,940 एंड 80,930 रुपीस पर मंथ। सो गाइस, रिपीट अगेन कर रही हूँ, ये दोनों लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा और इनका जो ऑफिशियल नोटिस PDF जो है वहाँ से आप देख सकते हैं, वो भी इस वीडियो के एंड तक देखिए, वहाँ से आप लोग ये छोड़ के, मैंने अब तक जो बोला छोड़, ये सारे छोड़ के अगर आपके मन में कोई इंक्वायरी, कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। और जो यहाँ पर एज लिमिटेशन जो बोला था मैंने, यहाँ पर देखिए वो तो फिक्स्ड है जनरल लोगों के लिए, लेकिन अगर आप SC ST OBC एक सर्विसमैन अदर जो है PWD इन सारे लोगों के लिए, SC ST लोगों के लिए 5 ईयर का एक्सटेंशन किया गया है और उनके साथ साथ OBC लोगों के लिए 3 ईयर एंड PWD एंड एक सर्विसमैन आधार जो है उन सारे लोगों के लिए 10 ईयर का, ठीक है। और ये एक ही प्रोसेस से एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा और ये भी हैदराबाद पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। और ये अप्लाई करने का तरीका जो है फुल्ली ऑनलाइन बेसिस है और यहाँ पर पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। और यहाँ का एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल लोगों के लिए 1,200, अदर जो कैंडिडेट हैं स्पेशल कैटेगरी पे आते हैं उन लोगों के लिए ओनली 600, ठीक है। और ये अप्लाई करने का तरीका एक ही है, जो कि उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा, वो है www.trei
urdu.telangana.gov.in पर ये लिंक भी दे दिया जाएगा जहाँ से आप लोग डायरेक्टली विजिट हो सकते हैं, इनका जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से। और इनका स्टार्टिंग डेट है 9/7/2018 से स्टार्ट हो रहा है और इनका क्लोजिंग डेट है 8/8/2018 तक। और इनके एट के अंदर आप लोग को फ्रॉम भर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आप भरेंगे तो लास्ट डेट पर सर्वर थोड़ा सा ट्रैफिक जैम होता है, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम शायद आप अप्लाई नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए, और जो पीडीएफ के बारे में बात कर रही थी कि इनका जो पीजी एंड टीजी का जो अलग अलग डिपार्टमेंट से उनका पीडीएफ का लिंक ए है, दोनों भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर हो जाएगा। अदरवाइज इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी नोटिस करके लिखा आएगा, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए ये तरीका देख लीजिए, आपके लिए पहले से हमने ओपन किए थे, तो ये लिंक जो है डायरेक्ट लिंक ये डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पेज तक आ सकते हैं। और यहाँ पर विजिट होने के बाद थोड़ा नीचे आइए, देखिए यहाँ पर व्हाट्स न्यू करके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर TGT एंड PGT के नोटिस करके लिखा आया है। आप जिस डिपार्टमेंट के बारे में इन डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आपको क्लिक करना होगा। पहले ही क्लिक कर देती हूँ, यहाँ पर आके देखिए इन डिटेल्स, इनका जो नोटिस है इन डिटेल्स दे दिया गया है। आप ध्यान पे रख के थोड़ा टाइम देके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक गवर्नमेंट न्यू नोटिस है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये रहा टीजी के लिए। और अब जाती हूँ पीजीटी नोटिस के पे, यहाँ पर भी सेम टू सेम है, इनका क्राइटेरिया सैलरी इन डिटेल्स क्या क्या मांग रहे हैं वहाँ पर तो मैंने शॉर्ट फॉर्म पे बता दिया, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कह रही हूँ कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये रहा छोटा सा हेल्प आप लोगों के लिए हमारे इस चैनल के थ्रू। अगर ये वीडियो सच में हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत कीजिए चलेगा, लेकिन एक लाइक तो दे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।